ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
बिन मंगया ही सब कुछ अताई जांदे सड़ा सोहना अल्लाए बिन मंगया ही सब कुछ अताई जांदे सड़ा सोहना इलाए दर अपने ते सब नू बुलाई जांदे सड़ा सोहना अल्लाए और जो भी उस दे दर ते आवे जो भी उस दे दर ते आवे रब दी सौ खाली ना जावे रब दी सौ खाली ना जावे रहमत दे खजाने लुटाई जांदे साडा सोहना अल्लाए बिन मंगया ही सब कुछ अताई जांदे साडा सोहना अल्लाए और हाल दिला दे ओ जानन वाला हाल दिला दे ओ जानन वाला ए कुल मखलूकां पालन वाला ए कुल मखलूकां पालन वाला मेवे रंग बरंगे खवाई जांदे साडा सोहना अल्लाए बिन मंगया ही सब कुछ अताई जांदे दर अपने ते सब नू बुलाई जांदे साडा सोहना अल्लाए हर किस्म दी हमदो सारा तारीफात तमजीदात तस्बीहात किबरियाई बड़ाई अल्लाह मलिकुल अल्लाम दी जात वास्ते है बेशुमार ला तादाद अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन शफीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन सारी कायनात दे सरदार पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी दाते गिरामी साहिबो बुजुर्गो अजीज साथियो पिछले तो पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर अल्लाह दी तौफीक के खास दे नाल सीरतुन नबी दा दसवां हिस्सा बा उनवान मारका बदर तुसा अहबाब दे सामने बयान कीता दो हिजरी 17 रमजान अल मुबारक आलम इस्लाम दी पहली जंग जेड़ी मैदान बदर दे अंदर हुई ओदा तज़किरा तुसा अहबाब दे सामने रखिया सी कि किस तरह अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने 313 नूं 1000 ते फौकियत ताकत और कुवत अता फरमाई 313 नूं अल्लाह मलिकुल अल्लाह ने 1000 ते भारी कर दिता और अल्लाह ताला ने मुसलमाना नू एक अजीम फतह अता फरमाई इस सब कुछ नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी दुआ और पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे सहाबा दे मजबूत ईमान दी वजह तो होया नहीं ते किथे हुंदा है एक शहर से 313 होण जंग वास्ते कुछ समान भी मौजूद ना होवे ते एक पासे 1000 होन ते समान भी वादू अगर देखा जाए तो समझ दे अंदर यही आंदी है जंग करन दा फायदा कोई नहीं 313 ने हार जाना है ते 1000 दा लश्करों ने जित जाना
लेकिन इत्थे अल्लाह मालिकुल्लाह ने किस तरह बाजियां पलटियां, किस तरह नबी पाक अली सलातो सलाम दे सहाबा नू अल्लाह मालिकुल्लाह ने फतह अता फरमाई। आइए जरा तवज्जो कीजिए, जदो नबी पाक और नबी पाक अली सलातो सलाम दे सहाबा परेशान सन बनेगा की उदो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अपना पाक कुरान नाजिल फरमाया। आओ जरा फरमाने खुदाबंदी ऐलान खुदाबंदी समाअत फरमाओ। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाहु वमन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। अल्लाह फरमांदे ने ऐ महबूब पैगंबर अली सलातो सलाम जी, ऐ साडे सोहणे नबी जी, ऐ साडे सोहणे पैगंबर जी, तुहानू अल्लाह ही काफी है, हस्बुकल्लाह तुहानू अल्लाह दी जात ही काफी है। वमन इत्तबाक मिनल मुमिनीन, तुहानू ते तुहाडे नाल जिहड़े तुहाडे ते ईमान लैके आए, जिहड़े कलमा पढ़न वाले ने, अल्लाह फरमांदे ने तुहानू ते तुहाडे साथियां नू अल्लाह मालिकुल अल्लाह दी जात काफी है। परेशान होने दियां जरूरतां नहीं, परेशान होने दियां लोड़ां नहीं। हजरत अल्लाह ताला ने मेरे पाक पैगंबर मेरे मुर्शिद पाक अली सलातो सलाम नू फतह अता फरमाई। अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलातो सलाम और नबी पाक अली सलातो सलाम दे सहाबा दी जमात नू अल्लाह मलिकुल अल्लाह ने कामयाब फरमा दिता, कामयाब कर दिता। आइए जरा तवज्जो कीजिए, नबी पाक अली सलातो सलाम अजे मुकामे बदर दे अंदर ही मौजूद ने। नबी पाक अली सलातो सलाम दा ए इरादा है, नबी पाक अली सलातो सलाम जदों भी जंग दा इरादा करदे, जदों भी जंग वास्ते जांदे, जंग तो बाद तीन दिन आका जंग वाली जगह ते कयाम करिया करदे, उत्थे ठहरिया करदे। इधरों मक्के दी तरफ एक आदमी बढ़िया जिदा नाम खिसमान बिन अब्दुल्ला है। ये दौड़दा दौड़दा मक्के दी तरफ गया, मक्के दे अंदर लोग इंतजार करते ने पै कि साडे कोल कोई खबर आए, साडे कोल कोई खबर लैके आए कि की बनया मुकामे बदर दे अंदर, की बनया मैदाने बदर दे अंदर। कोई नसदा आए, भजदा आए ते आके सानू खबर सुनाए कि मुसलमान हार गए ने, कफार ते मुशरकीन जित गए ने। हजरात दे बंदा जदों मक्के दे अंदर पहुंचया, मक्के दे अंदर लोग बड़े परेशान, खबर सुनने वास्ते बेताब ने होया कि ये दौड़दा दौड़दा आया है। आके ने मक्के दे अंदर खबर सुनाई, ओ मक्के वाले ओ मक्के वाले ओ मक्के वाले ओ कन खोल के सुन लवो, अल्लाह मलिकुल अल्लाह ने मुहम्मद ते ओदे साथियां नू फतह अता कर दित्ती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद ते ओदे यारां नू अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई है, काफिरां नू अल्लाह ताला ने शिकस्त दे दित्ती है। ओए मक्के वाले ओ तुहाडे बड़े बड़े सरदारां नू मुहम्मद ने कतल कर दिता, अबू जाल जिहड़ा तुहाडा सरबरा ते तुहाडा खलीफा सी, जिहदे नाल तुहानू बड़ी अकीदत सी, अबू जाल दी वी गर्दन कट दित्ती गई। उतबा शैबा वलीद इन्हां सारियां नू कतल करके कुएं दे अंदर फेंक दिता गया। हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिए, इधर मक्के दी तरफ ऐ बंदा खबर लैके आया, मुसलमान जित गए ने, मुसलमानां नू अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। दूसरी तरफ मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबियां ते अपने दो यारा, एक दा नाम सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाहु ताला अन्हो और दूसरे दा नाम सैयदना ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाहु ताला अन्हो। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने अपने इन्हां दोनों यारा नू रवाना किया। आका फरमांदे ने मेरे यारो, मेरे वफादारो, जाओ मदीने दे अंदर चले जाओ, मदीने दे अंदर जाके मदीने वालियां नू
खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह ताला ने सानू फतह अता कर दी है, अल्लाह ताला ने सानू नुसरत अता कर दी है, साड़ी मदद की है। हजरत अजी अब्दुल्ला बिन रवाहा ते ज़ैद बिन हारसा जा रहे ने उधर मदीने के अंदर जेड़े मुनाफिकीन ने ओए प्रोपोगंडा कर रहे ने। मदीने के अंदर खबर फैला दी गई कि आमिना दे लाल अली सलातो व सलाम नू नाउज़ बिल्ला शहीद कर दिता गया है, मुहम्मद कतल हो गए ने नाउज़ बिल्ला ही मिन ज़ालिक। उधरों हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक अली सलातो व सलाम दी ऊंटनी जिदा नाम कसवा सी ओदे ते सवार होके मदीने दी तरफ आ रहे ने। लोगों ने वेख्या ऊंटनी पैगंबर दी ए सवार उत्ते ज़ैद बिन हारसा ने, लोगों ने समझ लिया नबी पाक नू नाउज़ बिल्ला कतल कर दिता गया है, आमिना दे लाल अली सलातो व सलाम दुनिया तो जा चुके ने। लेकिन जदों ज़ैद बिन हारसा नजदीक आए आके इन्हां नू खबर सुनाई, ओए मुसलमानो ओ मदीने वालेओ परेशान ना होया जे, आमिना दे लाल बिल्कुल ठीक ने, अल्लाह पाक ने सानू फतह अता कर दिती है। ऐ मोमिनो मुसलमानो मदीने वाले ओ परेशान ना होया जे, टेंशन ना ले आ जे, अल्लाह मालिकुल अलाम ने सानू फतह अता कर दिती है, अल्लाह आकमुल हाकिमीन ने सानू कामयाब कर दिता है। आमिना दे लाल अली सलातो व सलाम ने मैनू पैगाम देन वास्ते भेजे है, आप अली सलातो व सलाम भी तशरीफ लैके आ रहे ने। हजरात उधरों नबी पाक अली सलातो व सलाम मैदान बदर के अंदर लोगों नाल किताल कर देने पै, लड़ाई कर देने पै। इधर नबी पाक दी लखते जिगर पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम दी प्यारी बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा जिन्हां दा निकाह सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हो दे नाल होया सी। सैयदा रुकैया दुनिया तो चलिया जांदियां ने, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हो ने सैयदा रुकैया दा जनाजा पढ़ा के इन्हां नूं दफन फरमा दिता। आमिना दे लाल अली सलातो व सलाम तीन दिन मेरे पैगंबर ने बदर दे अंदर कयाम फरमाया। उत्ते इख्तिलाफ ना करे इस तो पहले के अल्लाह आसमान तो कुरान नाजल फरमा देन, अल्लाह आसमान तो हुक्म नाजल कर देन, क्योंकि आलमे इस्लाम की पहली जंग सी माले गनीमत दे बारे अल्लाह ताला ने जे कोई हुक्म नाजल नहीं सी फरमाया। फिर अल्लाह आकमुल हाकिमीन ने सूरत अनफाल दियां पहलियां आयतां नाजल फरमाईयां। आओ जरा अल्लाह दा कुरान सुनो, अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया यसअलूनका अनिल अनफाल قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ। अल्लाह कमल हाकिमीन ने अपना कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने सोणियो ए तुहाडे कोलों माले गनीमत दे मुतल्लक सवाल करदे ने, यस अलूनका अनिल अनफाल माले गनीमत दे मुतल्लक पुछदे ने, सोणियो इन्हां नू दस दियो माले गनीमत अल्लाह और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते वे। फरमाया इन्हां नू हुक्म दे दियो आपस दे अंदर लड़ना नहीं, आपस दे अंदर माले गनीमत दी वजह तो इख्तिलाफ नहीं करना। फअस्लिहु ज़ाता बैनकुम, आपस दे अंदर मुहब्बत दे नाल रहना, प्यार दे नाल रहना। अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम ने माल गनीमत दे पांच हिस्से कीते, पंजवां हिस्सा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल वास्ते, चार हिस्से नबी पाक ने सहाबाए कराम दे अंदर तकसीम फरमा दिते। हुण नबी पाक अली सलातो व सलाम मुकामे बदर मैदान बदर तो वापसी का सफर शुरू किया। पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम ने
एक मुकाम ते पहुंच के कैदियां दे विचों नजर बिन हारस नाम दा एक कैदी है। इन्हें मैदाने बदर दे अंदर मुशरकीन दी तरफों इन्हें परचम हाथ दे अंदर उठाया सी। नबी पाक अली सलातो वसलाम ने इन्हू कतल फरमाया। थोड़ा जा अगे गए नबी पाक अली सलातो वसलाम दा एक होर दुश्मन जिदा नाम उकबा बिन अबी मुईत, जिहड़ा नबी पाक दी कमर ते ओजड़ियां टिकांदा सी, जिहड़ा नबी पाक नू दुख देंदा सी, जिहड़ा नबी पाक नू परेशान करदा सी। आमिना दे लाल अली सलातो वसलाम ने उन्हू भी कतल कर दिता। रस्ते दे अंदर लोग नबी पाक नू मिलदे गए, नबी पाक नू मुबारकां देंदे गए। गल मुख्तसर करदा जावां, आमिना दे लाल अली सलातो वसलाम मैदाने बदर दे विचों चलदे चलदे आप अली सलातो वसलाम ने जदों मदीने दे अंदर कदम रखिया, आमिना दे लाल दा कदम जदों मदीने पिया, मदीने दे अंदर लोगां ने नारे बुलंद कीते, मदीने दे अंदर लोगां ने नारे तकबीर बुलंद कीता, अल्लाह जुल जलाले वल कराम दियां हमदा बयान कीतियां, अल्लाह मलिकुल अलाम दियां बड़ाइयां बयान कीतियां कि अल्लाह ताला ने सानू फतह अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने सानू नुसरत अता फरमाई है। हुन नबी पाक अली सलातो वसलाम मदीने दे अंदर आए, जिहड़े मदीने दे मुनाफिकी सन अब्दुल्ला बिन उबई ते इहदे नाल दे जिहड़े साथी सन, इन्हां एवें दिखावे वास्ते नबी पाक अली सलातो वसलाम दा कलमा पढ़ लिया। वैसे ते इस अजीम फतह दी वजह तो कई लोग मुसलमान हुए, लेकिन इन्हां दे अंदर कई मुनाफिकीन भी सन जिन्हां सिर्फ दिखावे वास्ते कलमा पढ़िया, दिखावे वास्ते नबी पाक अली सलातो वसलाम दे मुरीद बन गए। हुण नबी पाक अली सलातो वसलाम मदीने दे अंदर आका तशरीफ लैके आए ने, मदीने दे अंदर नबी पाक आ गए नाल पैगंबर दे कैदी, 70 शहीद हो गए सन, 70 जड़े ने उन्होंने जहन्नम वासल कर दिता गया, 17 नू कैदी बना के नबी पाक अली सलातो वसलाम नाल ले। हुन नबी पाक अली सलातो वसलाम ने कैदियां नू सहाबा दे अंदर तकसीम कर दिता, ऐ फलाना तेरा कैदी है, फलाना तेरा कैदी, और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्हां दी इज्जत शान ते मुकाम ते क्या कहने। रवायात दे अंदर मैं पढ़िया सा सहाबा कराम खुद खजूर खा के गुजारा कर दे ते अपने कैदियों नू रोटी खिलाया कर दे। मदीने दे अंदर उदों रोटी दी बड़ी वक्त होंदी सी, सहाबा खुद खजूर खा के गुजारा कर दे लेकिन अपने कैदियों नू खाना खिलाया कर दे, रोटी खिलाया कर दे। आखिर तरबियत किने कीती है, सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण कैदियां दा मसला आ गया कि हुण कैदियां नाल की करना, जिहड़े 70 कैदी फड़ के लिआए आ हुण इहनां दे नाल की सलूक करना है। आमिना दे लाल अली सलातो वसलाम सारी कायनात दे सरदार पैगंबर अली सलातो वसलाम ने अपने सहाबा नू मुखातिब फरमाया, आका फरमांदे ने मेरे सहाबा दी जमात मैनू मशवरा दिओ, या अबा बकर ऐ अबू बकर मैनू मशवरा दे की करना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नू अर्ज़ा करदे ने, अल्लाह दे नबी जी, अल्लाह दे पैगंबर जी, मैं ते बात कहना वा इन्हां कोलों फिदिया ले लिया जाए, इन्हां कोलों पैसे ले लै जाण ते इन्हां नू आजाद कर दिता जाए। आप अली सलातो वसलाम फरमांदे ने अच्छा ठीक है, फरमाया या उमर, ऐ उमर तेरा की मशवरा है, उमर तू भी अपना मशवरा दे। ते सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने लब खोले, सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला नू अर्ज़ा करदे ने, अल्लाह दे नबी जी मैं ते ए बात कहना वा जिहड़ा मेरा रिश्तेदार है उहनू मेरे हवाले करो, उहदी गर्दन मैं तन तो जुदा करा, जिहड़ा अमीर हमजा दा रिश्तेदार है उहनू अमीर हमजा दे हवाले करो, अमीर हमजा उहदी गर्दन तन तो जुदा करन, जिहड़ा अलीउल मुर्तजा दा रिश्तेदार है उहनू अलीउल मुर्तजा दे हवाले करो, अलीउल मुर्तजा उहदी गर्दन तन तो जुदा कर देन। सुणियो इहनां दा हल सिर्फ इक ही है, उह इह वे कि इहनां नू कतल कर दित्ता जाए। आमिना दे लाल अली सलातो वसलाम ने दोनों मशवरियां नू सुनिया। नबी पाक अली सलातो वसलाम दे प्यारे सहाबी सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला नू खुद बयान करदे ने, आंदे ने नबी पाक ने अबू बकर दे मशवरे नू पसंद फरमाया, आका फरमांदे ने अबू बकर तेरा मशवरा मैनू पसंद आया, इन्हां कोलों फिदिया लै के इन्हां नू आजाद कर देंगे। हुण नबी पाक अली सलातो वसलाम अगला दिन होया, सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला नू बयान करदे ने, आंदे ने मैं नबी पाक अली सलातो
सलातुम सलाम दे कोल आया, सारी कायनात दे सरदार पैगंबर अली सलातुम सलाम दे नेड़े आया, कोल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ फरमाने ते सैयदना उमर आंदे ने, इंज मैं वेख्या नबी पाक भी रोंदे ने पै, नबी पाक अली सलातुम सलाम दे नाल बह के सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी रोंदे ने पै। मैं पूछया अल्लाह दे नबी जी अल्लाह दे पैगंबर जी क्यों रोंदे हो पै, मैनू भी वजह दसो। सैयदना उमर अर्जा करदे ने अल्लाह दे नबी जी जिस वजह तो तुसी रोंदे हो पै, अगर वजह माकूल होई ते मैं भी तुहाडे नाल रोवांगा। अल्लाह दे नबी जी अगर वजह क्यों कोई ना होई तुहाडे रोण दी वजह तो मैं भी तुहाडे नाल बह के रोवांगा। वाह प्यारे उमर जी तुहाडी मुहब्बत दे प्यार दे क्या कहने, आंदे ने अगर वजह होई वजह दी वजह तो रोवांगा, अगर वजह कोई ना होई इस वास्ते रोवांगा कि मेरा सोना नबी रोंदा है पिया, मेरे सोने नबी दियां अखां दे अंदर आंसू ने। हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिए, नबी पाक अली सलातो सलाम फरमांदे ने है प्यारे उमर अल्लाह मलिकुल अलाम ने आसमान तो कुरान नाजिल फरमाया है, अल्लाह जुल जलाले वल कराम फरमांदे ने तुसी फिदिया लैन दे अंदर जल्दी कर दिती है, तुसी फिदिया लैन दे अंदर उजलत कर दिती है। अल्लाह फरमांदे ने तुहानू चाहिदा सी मैदाने जंग दे अंदर इन्हां दियां गर्दना तन तो जुदा कर देंदे। अल्लाह मलिकुल अलाम ने अपना कुरान नाजिल फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने मा कान लिन नबी अय्यकून लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्जी तुरीदूना अरसत दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरता वल्लाहु अजीजुन हकीम। अल्लाह फरमांदे ने सोनियो किसे नबी वास्ते जायज नहीं के इन्हां नूं कैदी बना लवे, चाहिदा ते सी तुहाडी मेरी जुबान दे अंदर गल समझावा। अल्लाह फरमांदे ने सोनियो चाहिदा ते ए सी के तुसी मैदाने बदर दे अंदर इन्हां दियां गर्दना तन तो जुदा कर देंदे, मैदाने बदर दे अंदर इन्हां दियां गर्दना तन तो जुदा कर देंदे, तुसी इन्हां नूं कैदी बनाण दे अंदर जल्दी कीती। फरमाया फाइजा لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق। सोनियो मैं रब ने ऐलान फरमाया सी, अल्लाह फरमांदे ने जदों भी तुहाडा सामना कफार दे नाल होए मुशरकीन दे नाल होए फज़रबर रिकाब इन्हां दियां गर्दना मारो, इन्हां दियां गर्दना तन तो जुदा कर दियो, जदों गर्दना तन तो जुदा करके थक जाओ अक जाओ उदों इन्हां नूं कैदी बनाया जे। लेकिन मुकामे बदर दे अंदर मैदाने बदर दे अंदर तुसी इन्हां नूं कैदी बनाण दे अंदर जल्दी कीती है, तुसी फिदिए दी लालच दे अंदर इन्हां नूं कैदी बना लिया। लेकिन हुण अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिता चलो ठीक है फिदिया लैके गल रफा दफा कर दियो। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने 4000 दिरहम तो लैके 1000 दिरहम तक फिदिया मुकर्रर कीता। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने जिहदे कोल फिदिया मौजूद नहीं, जिहदे कोल पैसे नहीं, जिन्हूं छुड़ाण वाला कोई नहीं, मेरे मुर्शिद पाक फरमांदे ने ओ मक्के दे लोग जिहड़े पढ़े लिखे सन मदीने दे अंदर ज्यादा अनपढ़ सन, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा 10 बच्चियां नूं लिखना पढ़ना सिखा देगा ओ योदा फिदिया होएगा। जदों बच्चे लिखना जान जानगे, जदों बच्चे पढ़ना जान जानगे, नबी पाक अली सलातो सलाम फरमांदे ने उदों नूं रिहा कर दिता जाएगा। लेकिन नबी पाक अली सलातो सलाम ने कई ऐसे भी लोग सन जिन्हां ते नबी पाक ने एहसान फरमाया, जिन्हां नूं पाक पैगंबर अली सलातो सलाम ने बगैर फिदिये तो ही रिहा कर दिता। लेकिन मैं सदके जावां कुर्बान जावां मेरे मुर्शिद पाक दा इंसाफ वेख लो, मेरे मुर्शिद पाक दा अदल वेख लो। नबी पाक अली सलातो सलाम दे कैदियां दे अंदर नबी पाक अली सलातो सलाम दा चचा अब्बास भी शामिल है। पाक पैगंबर अली सलातो सलाम ने हुक्म फरमाया सारे कैदियां दे हत्थां नूं बन दिता जाए, सारे कैदियां दे हत्थां नूं बन दिता गया।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا عباس دے ہتھاں نوں وی بن دتا گیا ہے لیکن سیدنا عباس جڑے جے مسلمان نہیں ہوئے کئی روایات دے اندر آندا ہے مسلمان ہو گئے سن لیکن اپنا اسلام چھپایا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے کولوں گزرے اپنے چچا عباس دے کولوں جدوں میرے مرشد پاک گزرتے نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہتھاں نوں انج کھولنا چاہندے نے پے سسکیاں دی آواز آ رہی ہے ہتھ پیڑ کر دینے پے ہتھ درد کر دینے پے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں ڈل پیاں صحابہ عرضاں کردے نے اللہ دے نبی جی اللہ دے پیغمبر جی اگر تسی حکم دیو تے اسی تواڈے چچا دیاں رسیاں ذرا ٹلیاں کر دینے آ تواڈے چچا عباس دیاں رسیاں ٹلیاں کر دینے آ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت اگر میرے چچا عباس دیاں رسیاں ٹلیاں کرنیاں نے پھر سارے قیدیاں دیاں ٹلیاں کر دیو اے نہیں کہ صرف میرے چچا ہون دی وجہ تو ایندیاں رسیاں ٹلیاں کرنی ہے میرے بلکہ میرے مرشد پاک فرماندے نے سارے قیدیاں دیاں رسیاں ٹلیاں کر دتیاں جان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں قیدیاں دے اندر میرے مرشد پاک دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے خامد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جڑے جے مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی شامل نے ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کردے نے پے انہاں لوگاں دے فدیے آن تے اسی انہاں نوں رہا کر دئیے اسی انہاں نوں آزاد کر دئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے میرے مرشد پاک دے کول اک ہار لیاندا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہار دیکھیا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہار دیکھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے اے ہار تے میری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کلیا ہے دی طور تے کہ سونےو ابو جی اے ہار رکھ لو تے میرے خاوند ابو العاص نو آزاد کر دیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے او ہار اپنے ہتھاں دے اندر پکڑے ہے صحابہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نبی پاک چھم چھم رو لگ پیندے نے اسی سوال کیتا سونےو اللہ دے پیغمبر جی کیوں روندے ہو پے سونےو تواڈیاں اکھاں دے اندر کیوں سنے تے میرے مرشد پاک فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت ہے میرے صحابیو اے ہار جڑا میں ہاتھ دے اندر پکڑے ہے اے میری بیوی خدیجہ دا ہار رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے صحابیو اے میری پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہار اے کون خدیجہ جدے بارے میرے مرشد پاک فرمایا کر دے سن اے میرے صحابیو بلکہ اپنی بیوی سیدہ عائشہ نو مخاطب کر کے آقا فرمایا کر دے سن عائشہ پیاری اے خدیجہ ہی سی خدیجہ دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا کون سیدہ خدیجہ جنہاں نو آسمان تو نوری سرداراں دا فرشتہ نوری سردار آسمان تو جبریل سلام لے کے آن میں صدقے جاواں قربان جاواں پھر محبت تے پیار دے نال مینوں کہہ لین دیو کہ حسنین دی نانی نوں عرشاں تو سلام آیا حسنین دی نانی نوں عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نوں جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نوں حسنین دی نانی نوں عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نوں جنت دا پیغام آیا جنت دا پیغام آیا پہلی وئی تے آقا نو جس دتیاں تسلیاں نے پہلی وئی تے آقا نو جس دتیاں تسلیاں نے جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا جبریل دے ہونٹاں تے جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا
अम्मी जान दा नाम आया, अम्मी जान दा नाम आया, हसनैन दी नानी नू, हसनैन दी नानी नू अरशा तो सलाम आया, खातों ने जन्नत नू जन्नत दा पैगाम आया। और मेरे पाक मुहम्मद वी जिन्हों पल पल याद कर, मेरे पाक मुहम्मद वी जिन्हों पल पल याद कर, खदीजा ते खदीजा सी ए ना सुबह शाम आया, खदीजा ते खदीजा सी, खदीजा ते खदीजा सी ए ना सुबह शाम आया, हसनैन दिनानी नू अरशा तो सलाम आया, खातून ने जन्नत नू खातून ने अव्वल नू जन्नत दा पैगाम आया, जन्नत दा पैगाम आया। नबी पाक अली सलात व सलाम फरमांदे ने, मेरे सहाबियो ए जेड़ा हार मैं हाथ दे अंदर पकड़िया है ना, ए मेरी प्यारी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दा हार। मेरे मुर्शिद पाक अली सलातु व सलाम सारी कायनात दे सरदार पैगंबर अली सलातु व सलाम ने हाथ दे अंदर अपनी प्यारी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दा हार पकड़े है, ते नबी पाक अली सलातु व सलाम दी अखां दे विच आंसू जारी ने, पाक पैगंबर अली सलातु व सलाम रोंदे ने पै, नबी पाक अली सलातु व सलाम आंसू बहांदे ने पै, ते मेरे मुर्शिद पाक फरमांदे ने, ऐ मेरे सहाबा दी जमात, ऐ मेरे साहबियो अगर तुसी इजाजत दियो ते मैं ए हार अपनी बेटी नू वापस करना चाहना, मैं हार भी देना चाहना ते अबुल आस नू भी आजाद करना चाहना, ते नबी पाक दे यार आप दे वफादार नबी पाक अली सलातु व सलाम नू मनन वाले पाक पैगंबर अली सलातु व सलाम दे सहाबा अर्जा करदे ने, अल्लाह दे नबी जी अल्लाह दे पैगंबर जी तुहाडी हुकूमत सोणियो जिवें दिल करदा जे करो, अल्लाह दे नबी जी तुहानू किन्ने पुछना इंज क्यों कीता जे। नबी पाक अली सलातु व सलाम ने अपने दमाद अबुल आस नू अपने को आया, नबी पाक ने हार वापस कर दिता, आका फरमांदे ने अबुल आस ए हार जाके मेरी बेटी नू दे दे, ते मेरी बेटी नू मक्कियों मदीने रवाना कर दे, मेरी ती नू मक्कियों मदीने रवाना कर दे, मैं अपनी ती नू मिलना चाहना, मैं अपनी बेटी नू मिलना चाहना, मैं अपनी बेटी तो उदास हो गया। उधर नबी पाक अली सलातु व सलाम ने नाल सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला नू रवाना कर दिता कि जदों सैयदा ज़ैनब बाण गईआं उन्हां नू नाल लैके ते मदीने आ जाया जे, अबुल आस मक्के दे अंदर चले गए जाके मेरे मुर्शिद पाक दी बेटी सैयदा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू मक्क्यों मदीने दी तरफ रवाना कर दिता। ओ दुश्मन बदबख्त ते बदनसीब दुश्मन पैगंबर दी बेटी दी घात लगा के बैठे ने, नबी पाक अली सलातु व सलाम दी बेटी दे इंतजार दे अंदर बैठे ने, उधर नबी पाक दी मासूम बेटी नबी पाक दी लाडली बेटी नबी पाक दी प्यारी बेटी मक्कियों निकली है सवारी ते बैठी है मदीने दी तरफे जा रही है, बार बिन असवद जालम वैशी इंज अगे बढ़े है, ते नबी पाक दी बेटी सैयदा ज़ैनब दे पेड़ ते वार करदा है, मेरे मुर्शिद पाक दी बेटी दे पेड़ ते वार कीता, सैयदा ज़ैनब हामला सन, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा बच्चा जाया हो जांदा है, फिर वार करन लगा, उधरों अबू सुफियान ने हिब्बार बिन अस्वद नू वेखिया, वेख के आंदा ओए हिब्बार बिन अस्वद शर्म कर शर्म कर, बेटियां ते सारियां दियां ही सांझियां हुंदियां ने, वला बेटियां ते कौन वार करदा, वला बेटियां तो कौन बदले लैंदा, तेरा मसला मुहम्मद दे नाले सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम तू मुहम्मद दी बेटी ते क्यों जुल्म करना है पिया, ओए हिपार शर्म कर, शर्म दे नाल डुब मर, तू मुहम्मद दी बेटी ते वार कीता, एक नहत्ती ते वार कीता, ओ जानदे हो ना मस्जिद तो ही दे अंदर आने वालो, बेटियां दा बाबियां नाल प्यार ही बड़ा हुंदा है, बेटी बाप नाल बड़ी मुहब्बत कर दी है, बाप बेटी नाल बड़ी मुहब्बत करता है, जानदे हो अज तेरे मेरे मुआशरे दे अंदर लोग क्यों डरदे ने किते बेटी पैदा ना हो जाए, वो बेटी दी वजह तो नहीं डरदे बल्कि बेटी दे नसीबां दी वजह तो डरदे ने, कल कला जदों मेरी धी मेरी बेटी दूसरे घर दे अंदर जाएगी मेरी बेटी दे नाल की सलूक होएगा, मेरी बेटी दी अगली जिंदगी किस तरह दी होएगी, इसे वास्ते अल्लाह दी कसमें है बेटियां रहमतां बेटियां अमानतां बेटियां परौणियां हुंदियां ने घर दे अंदर, के अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने, अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने, ना शिकवा कर तकदीरां दा, ना शिकवा कर तकदीरां दा, बड़ा मान इनां नूं वीरां दा, वीरे ओ ना अपनिया भैनां नूं रवाया करो, ना अपनिया भैनां नूं सताया करो, अल्लाह दा वास्ता दे के आखांगा अगर तेरी भैन शादी तो बाद तेरे घर दे अंदर आ जाए अपनी भैन नूं ताने ना मारिया कर, अपनी भैन नूं बुरा भला ना किया कर, अपनी भैन नाल मुहब्बत करिया कर, प्यार करिया कर, ना शिकवा कर तकदीरां दा, बड़ा मान इनां नूं वीरां दा, वीरां दी गैरत हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने, अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने तियां ते अमानत हुंदियां ने, मां नाल वफावा कर दियां ने, मां नाल वफावा कर दियां ने, बाबा लई दुआवां कर दियां ने, बाबा लई दुआवां कर दियां ने, मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने, अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने तियां ते अमानत हुंदियां ने, जद पैर डोली विच टुर जांदियां ने, जद पैर डोली टुर जांदियां ने, वेड़ा सुंजा कर जांदियां ने, वेड़े दी रौनक हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने, अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने तियां ते अमानत हुंदियां ने, और मां बाप नूं आण बचाण गियां, धी नूं वेख के मत्थे वट पाने वालो, ओए अपनी धी नूं वेख के अपनी धी नूं आर जाने वालो, मां बाप नूं आण बचाण गियां, कल कयामत दे दिन मां बाप नूं आण बचाण गियां, दोज़ख तो आन छड़ाण गियां, दोज़ख तो रकावट हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने, अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने तियां ते परौणियां हुंदियां ने, दुआ करो अल्लाह जिन्हां नूं बेटियां दित्तियां ने अल्लाह उन्हूं बेटियां दे दुख ना विखावे, ऐ मेरे मुर्शिद पाक दी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
सवारी ते बैठिया ने सैयदा जैनब नू तीर मारे गए, सैयदा जैनब दे पेड़ दे अंदर नेल मारे गए, नेजे मारे गए। मेरे मुर्शिद पाक अली सलातुम सलाम दी प्यारी बेटी सैयदा जैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा मक्क्यों मदीने जा रही ने, उधरों नबी पाक अली सलातुम सलाम मेरे मुर्शिद पाक अपनी बेटी दे इस्तकबाल वास्ते खड़े ने। आका नू पता है मेरी प्यारी धी आ रही है, मेरी प्यारी बेटी आ रही है। नबी पाक दी एक बेटी सैयदा रुकैया मेरे मुर्शिद पाक मैदाने बदर दे अंदर दुश्मना नाल किताल कर देने पै, उधरों बेटी फोत हो जांदी है। ऐ दूसरी बेटी मेरे मुर्शिद पाक दी नबी पाक दी सलातो सलाम इंतजार कर देने पै, उधरों सैयदा जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा दी सवारी मेरे मुर्शिद पाक ने वेखी। इंज सैयदा जैनब दूरों ही अपने बाबा जान, अपने अबू जान, सारी कायनात दे सरदार पैगंबर नूं वेख के रोन लग पैंदियां ने, अखां दे अंदर आंसू जारी हो जांदे ने। इंज जो सवारी मेरे मुर्शिद पाक दे कोल आई, मेरे मुर्शिद पाक ने अपनी बेटी दी इह हालत वेखी, नबी पाक ने अपनी बेटी नूं सवारी तों उतारिया, नबी पाक ने सवारी तों उतार के अपनी बेटी नूं अपनी धी नूं अपने सीने दे नाल लगा लिया, ते नबी पाक दीआं अखां डुलदीआं ने पईआं। सहाबा मंजर वेंदे ने पै, सहाबा जदों मेरे मुर्शिद पाक नूं रोंदिआं वेंदे, सहाबा दीआं अखां वी डुल पैंदियां, सहाबा दीआं अखां अंदर वी आंसू आ जांदे। हुण मेरे मुर्शिद पाक ने अपनी बेटी नूं सीने दे नाल लगाया, अपनी बेटी दा मत्था चुमदे ने पै, नाल मेरे मुर्शिद पाक फरमांदे ने, ऐ ओ मेरी बेटी ए जिन्नू मेरी वजह तो बड़ियां तकलीफां दित्तियां गईआं, ऐ ओ मेरी बेटी ए जिन्नू मेरी वजह तो बड़ा ही परेशान कीता गया, सारियां तकलीफां ए सारियां परेशानियां मेरी बेटी नूं ए दे बाब यानी मेरी वजह तो आईयां ने। नबी पाक अली सलातो सलाम दी बेटी सैयदा जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा दा बच्चा भी जाया हो जांदा है, पेट दे अंदर हामला सन, बच्चा भी जाया हो गया, लेकिन मेरे मुर्शिद पाक अली सलातो सलाम ने जिन्ना अज तक किसे वास्ते बद्दुआ नहीं कीती, सारियां नूं माफ करन वाला मेरा मुर्शिद रऊफ रहीम मेरा मुर्शिद, जदों अपनी बेटी दा दुख वेखिया, जदों अपनी बेटी दी तकलीफ वेखी, आका फरमांदे ने ऐ मेरे साहबियो ऐ मेरे यारो, हिबार भी नसवद जिथे भी नजर आ जाए ओदी गर्दन तन तो जुदा कर दिया जे, उन्हें मेरी धी नूं तकलीफ दिती है, उन्हें मेरी बेटी नूं तकलीफ दिती है। आका फरमांदे ने हिबार बिन असवद अगर तू बैतुल्ला दे नाल चिमटिया भी मिल जाए उते भी हबार बिन असवद नूं कतल कर दे आ जे, हाला बैतुल्ला दे अंदर अल्लाह आकमुल हाकिमीन ने किताल करन तो मना फरमाया, लेकिन बेटी दी तकलीफ दी वजह तो बेटी दे दुख दी वजह तो मेरे मुर्शिद पाक फरमांदे ने हिबार बिन असवद जिथे तुहानू नजर आए हिबार बिन असवद बैतुल्ला दे नाल चिमटिया भी आए उत्थे भी हिबार बिन असवद नूं कतल कर दिया। हजरात नबी पाक अली सलातो वसलाम कितनी मुहब्बत करदे ने अपनियां बेटियां नाल, आइए जरा तवज्जो कीजिए, बात दूर ना निकल जाए। गज़वा बदर नबी पाक अली सलातो वसलाम ने जिवे जिवे फिदियात आंदे रहे, नबी पाक फिदिये कबूल करते रहे ते इन्हां मक्के वालियां नूं आजाद करते रहे नबी पाक अली सलातो वसलाम। हुण मक्के दे अंदर लोग गमो गुस्से दे अंदर बैठे सन, जिन्हां दे कैदी नबी पाक कोल कैद सन और जिन्हां दे फिदिये भी नहीं पहुंचाए सन, वह सारे परेशान बैठे ने ते नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दे कतल दा मनसूबा बना रहे हैं कि नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम नूं कतल किस तरह कीता जाए। उधर नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम नूं पहले भी कतल करन दा इरादा बनाया है ना, पहले भी कतल करन दा इरादा कीता, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे मुर्शिद पाक दीआं हिफाजतां फरमाईआं, मेरे मदनी पाक दीआं अल्लाह ताला ने हिफाजतां फरमाईआं, फिर मक्के दे अंदर बह के प्रोपोगंडा कर रहे ने ते उधर नबी पाक अली सलातो वसलाम दी हिफाजतां दा जिम्मा रब ने उठा लिया। किते लिखे है फरमाया या अय्युहर रसूलू
بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ تعالی نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے اے محبوب پیغمبر جی پریشان نہیں ہونا, اے سونے نبی جی ٹینشن نہیں لینی. فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اللہ فرماندے نے سونےو اج تو بعد پریشان نہ ہویا جی. یہ آیت مبارکہ بدر تو پہلے اللہ تعالی نے نازل فرمائی. اللہ فرماندے نے پریشان نہ ہویا جی, واللہ یعصمک من الناس, اج تو بعد تواڈی حفاظت دا ذمہ رب العالمین نے خود اٹھا لیا ہے. پھر کس طرح اللہ تعالی نے نبی پاک دی حفاظت فرمائیاں. انشاءاللہ الرحمن اگلا خطبہ جمعہ تو مبارک انشاءاللہ ایتھے شروع کران گے اور کوشش کران گے غزوہ احد جیڑا ہے وہ بھی انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبہ جمعہ تو مبارک دے اندر ٹائم دی مناسبت دے نال جنا بیان ہو سکیا انشاءاللہ الرحمن غزوہ احد بھی بیان کیتا جائے گا. اللہ احکم الحاکمین میرا تسا سب احباب دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.